हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। सो मेरी टीम से मुझे कॉल आया, दो आज सैटरडे है, मेरी 15-20 लोगों की डाइट स्टिल पेंडिंग है भेजना और मैं लेट हो गई हूँ। मेरे को रात से ही क्या था, यहाँ पे लाइट नहीं थी और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लैपटॉप का भी थोड़ा हॉश पॉश चल रहा था। सो आज मैं लेट हूँ डाइट्स अपनी सबको भेजने में, वीकली डाइट्स। बट येस, मुझे ये वीडियो बनाने का बड़ा मन था। सो मेरी टीम से मुझे कॉल आया कि जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके दो, हमें नहीं पता। सो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी चीज़ें बोलना चाहती हूँ एंड काफ़ी ये एक जो वीडियो रहेगा ये एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ वीडियो रहेगा। सो रिसेंटली मेरे बैच में बहुत सारे न्यू मेंबर्स मेरे पास ज्वाइन हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारी हैं न्यू मम्मा, जो न्यूली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बेबी डिलीवर करा है। एंड आज की जो मोटिवेशनल वीडियो है वो है प्रियंका के ऊपर, जो कि रिसेंटली मैंने प्रियंका का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था ऑन माय इंस्टाग्राम, ये रहा वो पोस्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस, DM, कमेंट्स और यहाँ पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मैंने रीड करे थे रिलेटेड टू न्यूली मदर्स जो हैं वो कैसे वेट लॉस कर लेती हैं, वो कैसे बेबी पे भी ध्यान दे लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, वर्किंग भी होती है, स्टिल वो अपना वेट लॉस कैसे कर लेती है। सो यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ पे डॉली मेरे साथ, मेरे ख्याल से 2000 काफ़ी लंबा 5-6 साल से हम लोग टच में हैं। पहले इन्होंने लूज़ करा वेट, देन मेनटेन करा वेट, तब शादी करी, फिर बेबी डिलीवर करा, डिलीवर के बाद दोबारा वेट लॉस करा। 90s पे आ गए थे डॉली ना, नाउ मेंटेनेंस पे आने वाले हैं 3-4 किलो और लूज़ करने के बाद आरती हैं, इनका वेट लॉस चल रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी यू नो न्यूली मदर हैं जो अपना वेट लॉस कर रही हैं, देख रही हैं, अपने आप को समझ रही हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब भी आप डिलीवर करेंगे बेबी, सो या तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन डिलीवरी है, आपकी अंदर वीकनेस कितनी है, आपका हेल्थ का करंट सिचुएशन क्या है, आप कैसे सिचुएशन में आगे जा रहे हो, किस तरीके से आगे चल रहे हो, आपकी केयर करने वाला कौन है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी गई है, पूरा का पूरा प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है वो कैसे निकला है 9 मंथ्स का, उसमें आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, उसके बेसिस पे ही आप अपना वेट लॉस का जर्नी चालू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे जब वो बेबी डिलीवर करती हैं, सो उनका 100% फोकस हो जाता है बच्चे के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप फिट नहीं हो, आप अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अपने घर गृहस्थी नहीं मैनेज कर पाओगे और अपनी अगर आप वर्किंग लेडी भी हो सो आप जॉब पे कैसे जाओगे। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो अपना जर्नी चालू करती हैं पूरी के पूरे जोश से, पूरे पूरे सपोर्ट से घर वालों के, बट जैसे ही वो बीच में एक छोटा मोटा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे बेबी बीमार हो गए, टीथिंग हो गई, या फिर बच्चे को लूज मोशंस हो गए, या कुछ भी XYZ रीज़न, उसकी वजह से वेट लॉस का जर्नी जो है बीच में क्विट हो जाता है, छोड़ देते हैं, उसके बाद और वेट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कुछ कुछ फीमेल ऐसी हैं जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का वेट 3-4 साल तक लेके रखती हैं और सोचती हैं कि कल करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, पहले बच्चा बड़ा हो जाए, फिर उसकी फीडिंग छूट जाए, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जाने लग जाए, चलने लग जाए, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बहाने बना के मन की तसल्ली वाली बात होती है। बट अगर आप बहुत समझदार हो एंड आप मैच्योर इनफ हो, आपको समझ है कि हाँ हेल्थ कॉन्शियस नाम की चीज़ क्या होती है, आपको पहले फिट रहना है, बाद में जाके आप अपने घर पे बच्चों को सबको संभालने लायक हो सकते हो, तब जाके आप अपनी वेट लॉस का जर्नी चालू करते हो। वेट लॉस का जर्नी इसलिए चालू नहीं करना चाहिए फीमेल्स को कि वो अच्छी दिखे एज अ न्यूली मदर, कि यार मैं तो गंदी दिख रही हूँ, आपको फिट रहने के लिए करना है अभी, तो कि आप एटलीस्ट एक्टिव हो सको, चीज़ों को लेकर चलना फिरना, बेबी को संभाल सको ना। कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो 100+ हो जाती हैं और वो और ज़्यादा गेन करती चली जाती है। नाउ पॉइंट इज, अब बात करते हैं प्रियंका की। प्रियंका को आई गेस डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था जब वो 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी था, उनका BP बहुत ज़्यादा हाई था। नाउ जिन लोगों को हाई BP का प्रॉब्लम रहता है, एक अर्जुन की छाल आती है अमेजोन पे, इजीली मिलती है, उसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में बात करूंगी, वो BP को कंट्रोल, हाई BP को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। सो मैं अभी अपकमिंग वीडियो में बात करूंगी आपके साथ। बट काफ़ी सारी फीमेल्स के साथ ये इश्यूज रहता है जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होती, जो प्रेगनेंसी में अंधाधुंध बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे खाना खा रही हैं, जिनको स्ट्रेस भी बेचारों को बहुत ज़्यादा रहता है, उनके साथ शुगर एंड BP दोनों साथ गिफ्ट बन के आ जाती है प्रेगनेंसी में। और अगर आप संभलोगे नहीं टाइम पर चीज़ें हैंडल नहीं करोगे, तो वो परमानेंट आपकी बॉडी के अंदर रहती ही रहती हैं, फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप हिम्मत दिखाओगे, खड़े होगे, संभालोगे खुद को, खुद पे तरस खाना बंद करोगे, तो आपका जो वेट लॉस है वो 4-5 महीने के अंदर जो गेन वेट है वो निकल जाएगा और उसके बाद आप अपना नॉर्मल मेंटेनेंस पे आ जाओ, सिंपल। बट काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, या तो उनके इन लॉस अलाउड नहीं करते उनको कि हाँ जी आप दोबारा से वेट लॉस जर्नी पे आओ, पहले आपको खूब सारा खिलाया जाता है, उसके बाद फिर आपको देखा भी इस तरीके से जाता है कि ये मोटी होगी, ये अच्छी नहीं दिख रही है, अब ये पतली हो जाए जल्दी जल्दी। सो ये तो होती है कि मेंटालिटी, बट आपको खुद को भी समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मेरा वेट इतना गेन हो चुका है,
मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड उसके बाद मुझे वेट लॉस पे आना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जैसे जिन उन्होंने बेबी डिलीवर करा, वो घर आई और उन्होंने अपना वेट चेक करा और मेरे पास कॉल्स आते हैं, सीरियसली कॉल्स आते हैं, डिलीवरी के अगले दिन कॉल आ जाता है, यार मेरा वेट इतना हो गया कैसे करना है, यू नो। मतलब अभी एक मेरे पास रिसेंटली एक कॉल आया था, मेरी एक्स क्लाइंट थी एंड उनका 8th मंथ चल रहा है, शी सेड कि यार डिलीवरी के अगले दिन कर सकते हैं क्या डाइट। मतलब कुछ कुछ फीमेल्स इतनी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बट जो जो मोटू रह गई हैं फीमेल 130, 190, 80, यार खड़े हो जाओ अपना, बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो गया, और अपने आप को पूरा का पूरा बैलेंस करो और मैनेज करो। यहाँ पे मैं आपको सुनाती हूँ प्रियंका को एंड उनकी पूरी जर्नी एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आई एम प्रियंका, आई एम अ डेंटिस्ट बाई प्रोफेशन एंड अ मॉम ऑफ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल। सो आई वॉज ऑलवेज चबी सिंस माई चाइल्डहुड एंड आफ्टर माई मैरिज आई स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ वेट। आई हैड PCOD and I used to have a very severe irregular period, and later I joined my PG where I was too busy and neglected all my health. After my PG we wanted to plan for a baby, but when we went to the doctor she asked me to lose weight. I did lose weight, I conceived, and then my pregnancy was going on, and when I reached my 6th month I was diagnosed with gestational diabetes, where again I had to control all my diet and all. But around 34 weeks or so I was diagnosed with high BP, so which was not coming down at all even through medications. So at around 36 weeks and 4 days I had to deliver the baby. So my doctor told me I had to lose all the extra weight immediately after the baby, like when I am recovered completely. So I started doing this diet. Initially for a week or so it was a little difficult, but then I was very habituated and I used to like all the recipes that she sent it to me, and even me and my daughter used to enjoy her food, and they are very simple. We feel like the quantity is very less, but they are more filling. Also, I used to carry my tiffin box everywhere I go. Wherever I go, I used to carry my tiffin box. I never skipped anything that she told me to do. I never cheated. Like in all these 4 to 5 months, I never cheated. Once a while, I used to, but only with tea or coffee. Nothing more than that. And whenever I used to feel hungry, I used to ask her and eat whatever she asked me to eat. And everyone used to tell me, eat this much only, why you are eating this much only, but still I never did, because I used to not feel hungry and I never thought of doing cheating. Any of the food she has given me, because all the recipes were so yum that I used to enjoy them, and I used to prepare my own meals for me, myself, for my baby and for my husband too. I used to cook different meals, all 3 meals I have to cook for 3 times a day. I used to do it because it is for myself, so I'm doing it for myself. I have to lose weight. I've set that mind that I have to lose weight. So now doing all these things, I got so habituated that I've been doing this since 6 months now. My husband and my parents are my biggest support, and of course Suman ma'am also supported me a lot. She used to motivate me. I could not sleep because I had a little baby. Because when I started weight loss journey, my baby was around 8 months old. She used to get up multiple times at nights, but still I used to cover that sleep in the mornings. For around 7 to 8 hours, I used to complete my sleep. I used to tell someone, ma'am, like I am unable to sleep, but still she used to say, you have to sleep. So I did. Initially it was difficult, but later on when my baby turned around 1 year, I could do everything. Like I could sleep, I could drink water properly, I could eat at time, everything I used to do. I lost 22 kgs in about 4 months, and from sizes double XL to small to medium in between. Currently I am
57 kgs and I have been maintaining this for about 1.5 months now. And thank you Suman ma'am, I love you. वेलकम बैक जी. सो आई होप आपको थोड़ा सा पुश मिला होगा कि हाँ हमें कैसे आगे जाना है, कैसे आगे चलना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोफेशनल लाइफ. तो मैं खुद अपनी फैमिली सेटअप करने जा रही हूँ बहुत जल्दी, बट मुझे भी पता है कि यार मेरा प्रोफेशनल एक अलग चीज़ है, फैमिली एक अलग चीज़ है, तो दोनों को मिक्स नहीं करने का ना, दोनों को अपनी अपनी जगह पे रखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होकर चलेंगी. सिमिलरली लाइक यू, अगर आप वर्किंग लेडी हो और आप इतने हैवी वेट में आप अपना काम कैसे संभालोगे, बच्चा कैसे संभालोगे, घर कैसे संभालोगे, सो आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए. एंड फीमेल्स बनी मल्टीटास्किंग के लिए ना, कि हर चीज़ आपको करनी चाहिए. आपको कुकिंग भी करनी है, आपको हेल्दी भी रहना है, आपको बेबी भी संभालना है, आपको घर गृहस्थी भी टेक केयर करनी है, आपको वर्किंग भी रहना है ना, ऑफिस भी संभालना है, अपना काम भी संभालना है. उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, मेंटली फिट. मेंटली फिट कहाँ से आओगे, जब आप अपने आप को पर्सनली हेल्दी फील करोगे. अगर आप यहाँ पे ही पूरा दिन सोचते रहोगे यार मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो फिर आप जय बाबा जी ख़त्म, मतलब ओवर. फिर आप परेशानी में अपने एक दो साल चलाते रहो, शाम को मट्ठी मटर और मैगियाँ खाते रहो और ज़िंदगी ऐसी चलती चली जाएगी. जिन जिन फीमेल्स के घर पे ना नमकीन, मट्ठी मटर, तोशे, आपकी मैगी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, भुने हुए चने, खूब सारे मसाले और हींग वाले पड़े होते हैं ना, आप अपने जाके किचन चेक करना. पहले आप सबसे पहले उसको निकालो. ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि कल से डाइट करेंगे तो देख लेंगे तो निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता. सबसे पहले ये सामान घर से बाहर करो. मेरे घर में कोई सामान नहीं मिलेगा आपको, ऐसा दूर दूर तक नहीं मिलेगा. सारा हेल्थ वाली चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस हैं, मेरे सामने भी अगर कोई ये रख देगा मुझे भी एक मिनट में हो जाएगा चले यार थोड़ा सा खा लेते हैं, पर सामने आएगा नहीं तो कोई बंदा खाएगा ही नहीं. सो ये कुछ चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आगे लेके चलना है. और अगर आप न्यू मम्मा बन चुके हो, मेक श्योर कि आप चीज़ों को वर्क करो, हैंडल करो और अपनी वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ में वापस जाओ. दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएंगे, बेबी को भी, घर को भी, गृहस्थी को भी और एज अ प्रोफेशनल करियर भी. बट मेक श्योर कि आपका प्रोफेशन जो है वो ख़राब ना होना चाहिए एज कम लाइक अपने घर गृहस्थी को संभालने के चक्कर में. दोनों को साथ साथ चलाना है, सो आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. जितनी भी लेजी मॉम हैं, जितने भी थकी हुई लेडीज़ हैं, जिनको ऐसी फीलिंग है कि यार क्या, किधर, कैसे, क्यों, खड़े हो जाओ जी, मतलब दिस इज़ हाई टाइम फॉर यू. एंड जस्ट खड़े हो जाओ एंड चीज़ें बैलेंस करेंगे एंड आगे जाके चीज़ों को लेकर चलेंगे. अदरवाइज बीच में छूटोगे, छोड़ दोगे, अगर पकड़ रखिए जर्नी, नो का मीन्स नो है. घर वाले खूब तरस खाएंगे, हाय खा ले यार, ये कर ले, वो कर ले, मत करना. मैं भी बड़े सारे प्यार प्यार में अपना वेट गेन कर लिया था, नाउ आई एम बैक ऑन माई ट्रैक. बट हाँ, एक दो बार ठीक है, बट इतना ज़्यादा प्यार नहीं सबका लेना खाने पीने में. सो यार दैट्स इट एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड आई सी यू सून विद प्रियंका का प्रॉपर डाइट चार्ट, कि किस तरीके से उन्होंने कैसे कैसे वेट लॉस करा एंड क्या क्या चीज़ें मैंने उनकी डाइट में ऐड करी फॉर शुगर एंड फॉर हाई बीपी. सो यार आई गेस दैट्स इट एंड आई सी यू सून. टेक केयर जी, बाय बाय.